डिस्क्लेमर, हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अल्लाह और ओम एक कैसे हो सकते हैं? हर एक आदमी अपने अपने तर्क से सही और झूठ को साबित करने पर तुला हुआ है। ज्यादातर मुसलमान इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि अल्लाह और ओम एक हैं। एक कट्टर मोमिन ने सच वाला की लाइव स्ट्रीम में आकर मदनी को गलत बताया और यह भी कहा कि वह शिर्क कर रहे हैं। उससे भी मजेदार बात यह है कि जब सच वाला जी ने उससे मोहम्मद की 5 खूबियां पूछी तो उसको सांप सूंघ गया। समझ में नहीं आता है, मोमिन से जब नबी की खूबियां पूछी जाती हैं तो उसको सांप क्यों सूंघ जाता है, उनकी इतनी फटने क्यों लगती है? तो आइए देखते हैं एक मजेदार डिबेट सच वाला जी के साथ। इरफान अदनान साहब है, अल्लाह आगे हुए, अल्लाह की डीपी लगा के जी। आज का टॉपिक क्या है? रामलीला मैदान पे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करके दोनों मदनी बोल रहे भाई, अरशद मदनी, असद मदनी। आप ये बहुत बड़े बड़े नाम है, हिंदुस्तान के बड़े उलमा हैं, ये देवबंद के लोग हैं, तो ये है देवबंद के उलमा हैं। इन्होंने कहा दुनिया के सामने भरी महफिल में कि अल्लाह और ईश्वर, अल्लाह और ओम एक ही है, इनका ये कहना है। तो इस पर आपका क्या तबसरा रहेगा? उनको कहने दो, वो कह रहे हैं, वो तो शिर्क कर रहे हैं। कहने दो क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको क्या बात करना है? आप इस्लाम के बारे में कोई जानकारी है आपको? बहुत बहुत है। अभी इसकी हालत खराब होने वाली है। हाँ। अब अपने नबी के बारे में कुछ ऐसी 2-4 ऐसी क्वालिटीज बताइए कुरान के हिसाब से कि जो है वो यूनिक हो, जो किसी और के अंदर ना हो। ये उनका करेक्टर बहुत अच्छा था। रुक, मैं लिख लेता भाई, पेन पेंसिल लिया मैं, एक मिनट। नोट कर रहे हैं हम, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। क्या करते थे? कैरेक्टर अच्छा था मतलब वो गुड डीड्स करते थे। और वो क्या करते थे? क्या करते थे? गुड नेकियां। अच्छा, गुड डीड, नेकियां क्या करते थे? मसलन नेकी क्या होती है? चैरिटी देते थे। चैरिटी देते थे, अच्छा अच्छा। कहाँ लिखा है चैरिटी देते थे? वैसा कुरान में कहाँ लिखा है? पहले बताएं यार कि आपको हमारे रिलीजन से क्या मसला क्या? अरे यार थोड़ी हमारे को बताओ ना, आप शर्मिंदगी हो रही क्या आपको? इतनी जल्दी इसके लत पतली हो जाएगी ये पता नहीं था। कुरान में आपके नबी के बारे में क्या क्वालिटीज बताई गई है, बताइए, ये बोलिए। बहुत सी क्वालिटीज क्या है बताइए ना, मतलब कौन सी आयत में क्या क्वालिटी है? अफसोस से कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी पता नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं है भाई, आपको पता है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमें पता नहीं है, पता आपको है। बोलिए भाई, एक नंबर बोलिए, प्रॉफिट की अच्छी क्वालिटीज नंबर एक। उन्होंने दीन को भी फैलाया ना। अच्छा, कहाँ लिखा है ऐसा उन्होंने दीन को फैलाया? आप जितना गलत साबित करना चाहते करें। अरे भाई, हम गलत साबित नहीं कर रहे हैं, हम तो सही है। सोचते नहीं आप, आपको क्वेश्चन के आंसर आपके पास नहीं है और आप बड़े बड़े जानकार हैं, हमको दुश्मन ही, आपको बोलते नहीं आ रहा, यूनिटी बोल नहीं सक रहे आप। अच्छा सुने, आप है कौन? आप लोग इंडियन है ना? हो गए बात हो गई आपकी। इंडियन है इंडियन है ना, है ना? इंडियन है तो क्या होता? काफिर है आप। इंडियन है तो काफिर है, ये नंबर दो हो गया। हाँ, मुसलमान भी है पता है। अच्छा, ये भी है नंबर दो, मुसलमान इंडियन काफिर है, काफिर है, काफिर आप है। ये उम्र कितनी है वो तो बताओ आपकी, आप जैसे बातें कर रहे लग रहा है बहुत छोटी उम्र है। अदनान ऐसा लग नहीं रहा अभी, 17। अरे तो अंडे में से निकलो ना भाई, पहले बाहर निकलो, इल्म हासिल करो। मुझे तो उससे ज्यादा इल्म है, ठीक है। इस्लाम की खूबियां या प्रॉफिट मोहम्मद की खूबियां बताने से कैसे रहे आप? मुझे सबसे ज्यादा इल्म है। मैं बताता हूँ ना कि ये इंडियंस करते ही इस तरह है। ऐसा मत करो ना यार भाई, कुछ क्वालिटीज बताओ ना, प्रॉफिट की और अल्लाह की और कुरान की और मोहम्मद की, कुछ तो बताओ। उन्होंने हम लोगों के लिए जंगे लड़ी, इंसानियत के लिए क्या किया भाई उन्होंने? आप कभी अकेले में तनाई में सोचो कि आपको कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, आप उसके जवाब क्या दे रहे? आप सुनो कभी कटिंग को वापस जाके। आप मुझे पता है हमारे पास कोई डाउट नहीं है, हमारे पास पूरा यकीन है, ठीक है। इसीलिए हम सारी बातें यकीन से करते हैं, डाउटफुल नहीं करते, समझे बेटा? चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप आए जरा पहले, आप बड़े तो हो जाओ, आप अंडे में से बाहर तो निकलो। अच्छा, मुस्लिम है आप?
नहीं, मुस्लिम है नहीं है क्या आप देखोगे क्या कि खतना हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो मुस्लिम हूँ। हाँ, आपकी बातों से लग रहा है। वो तो लग रहा है, जो है वो बोलने की क्या जरूरत है? आप न भी बोले तो हमें भरपूर तरीके से लग रहा है मुसलमान क्या होता है, कैसा होता है। आप हैं या नहीं? बिना सबूत लड़ाई करने वाला मोमिन रहता है। आपके पास सबूत नहीं है कुरान के सच्चा और अच्छा होने, नबी के अल सादिक अल नबी सच्चा और नबी होने के, कोई सबूत नहीं आपके पास। अच्छा समझ आ गई यार, आप बात नहीं कर रहे, आप इंडियन हैं, इंडियन काफिर होते हैं आप क्या? नहीं पूरे नहीं होते, मैंने पूरे नहीं होते। अच्छा कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं बोलो, इंडियन कितने परसेंट काफिर होते हैं? ज्यादातर काफिर हैं, मुसलमान ज्यादातर काफिर हैं। अच्छा 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 अच्छा, काफिर अच्छे नहीं होते, खराब होते हैं? हाँ बहुत बहुत खराब होते हैं। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं काफिर यार? काफिर क्या करते हैं? शिर्क। अच्छा और क्या करते हैं वो लोग काफिर जो है? शिर्क करते हैं। और क्या करते हैं काफिर? वो नकली खुदा को मानते हैं, स्टैचूज को मानते हैं। नकली खुदा? अच्छा अच्छा, नकली खुदा क्या होता है यार? अच्छा जो फैक्ट्री में बना है, जो फैक्ट्री के अंदर बना है, जो बाहर बना, तो ये नकली अस्थि का फर्क है यार। लोग ना स्टैचूज को मानते हैं, क्या सेंस है यार? स्टैचूज? ओहो अच्छा अच्छा, स्टैचूज को मानते हैं। अच्छा अच्छा, चौकोर डब्बे को मानते हैं क्या भाई? चौकोर डब्बे को मानते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं आप? हजरे अस्वद को मानते हैं, मानते हैं, पूजा करते क्या? कोई सेंस ही नहीं है मतलब। अच्छा सेंस नहीं है, सवाल का जवाब दो भाई। जो इंडियन होता है वो काफिर होता है, उसमें कोई सेंस नहीं होता। ये काले पत्थर को चुनते हैं, चाटते हैं, दुआ मांगते हैं, इस पर सवाल करो तो जवाब नहीं देते हैं। अच्छा ये सारी बातें ये पाकिस्तानी समाज में बच्चे बच्चे को बचपन से ये बातें बताई जाती हैं जी, ये इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, वो जो है वो इससे हटके वो कोई और चीज उनके दिमाग में नहीं होती। नहीं भाई, कश्मीर तो हमारा है। हाँ कश्मीर आपका है, सही बात जी। आपकी अब्बाजान जो है गली में लेके आए भाई, प्याज खरीद लो 4 किलो घर के ले जाओ, आटा ले जाओ, घर वाले खुश हो जाएंगे, कश्मीर का चक्कर छोड़ दो अब आप लोग। कश्मीर को आपके अब्बा जो है बरी में लेके आए थे, जो नई नस्ल है पाकिस्तान की, उससे जो है हम बात कर रहे हैं। बड़ पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप इससे अंदाजा लगा सकते। कुछ नहीं होता यार, इंडिया का भी डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा सही बात है, सही कह रहे हैं। चलो बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं बेटा। क्या और क्या बात है टॉपिक? नहीं कुछ भी नहीं यार, पूरा हरा दिया हमको जो है, हम तीनों को आपने जो है एकदम दो शाने चित कर दिया। हम तो लाजवाब हो गए यार, हम तो हार गए। वाह वाह सुभान अल्लाह, मैं जीत गया। आप जीत गए यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर जबरदस्त मेरा हाथ आपके हाथ में, आपका हाथ मेरे हाथ में होता तो ऐसे उठा देता, वो रेफरी फ्री स्टाइल में रेफरी उठाता नहीं, ऐसा ऐसा उठा देता, WWF कर देते। दोस्तों एक्स मुस्लिम के लाइव स्ट्रीम में मोमिन आता तो बड़े शान से है, पर 2 मिनट में अपनी असली औकात दिखाने लगता है। हम इसी तरह इस्लाम को आगे भी एक्सपोज करते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। सावधान रहें, सतर्क रहें, इस इस्लामिक कल्ट से दूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।